हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरेसी मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.1 मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज सिर्फ 3.2 का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाली वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहली चीज जो इसके लिए ध्यान रखने की है वो है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल तभी पॉसिबल हो सकता है अगर उन दोनों मैट्रिसेस का, या उन जो भी मैट्रिसेस गिवन है 2, 3, 4, 5, उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अगर उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तभी आप केसेस अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, फिर वो ऐड कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले से मीन्स A11 वाला नंबर A11 से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स A12 का एलिमेंट 12 से, 21 का 21 से एंड 22 का 22 से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन लिया ये, इसको मुझे ऐड करना है 0, 1, 2, 3 में। तो ये ऐड होके, पहली बात तो ये ऐड हो सकते हैं? नहीं, ऑफकोर्स ऐड हो सकते हैं, बिकॉज इनका ऑर्डर है 2x2, इसका भी ऑर्डर है 2x2। ये दोनों ऐड होंगे कैसे? 1 + 0, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ गया 1 इसी प्लेस पे। फिर जब आप A12 वाले प्लेस को ऐड करोगे तो A12 वाले प्लेस पे ही लिखोगे 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7। तो ये आपका हो गया सम। ऐसे अगर माइनस साइन होता तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को सेम 1 - 0 = 1, 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 1 - 1 = 1 आंसर आ जाता है इसका। तो ये आपका हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इजी होता है। बस ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर नंबर, स्केलर का मतलब ही आप लोग जानते हैं क्या होता है। स्केलर कोई भी एक नंबर, मतलब किसी एक नंबर से मैंने अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मींस वो जो नंबर है वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, के है तो के सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1k, 2 से होगा तो 2k, 3 से होगा 3k। पोजीशन डिफरेंट नहीं होगी, पोजीशन सेम रहेगी हर एलिमेंट की, लेकिन के अलग अलग प्लेस पे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन लिया, इफ ए इज दिस, ये मैट्रिक्स गिवन है, एंड बी इज दिस। देखो ऑर्डर आप देख सकते हो दोनों का सेम है। इसका ऑर्डर है देखो कितनी रोज है, 3 rows and 2 columns, मीन्स 3x2। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी हो गया 3x2। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। आप लोगों को गिवन है 2a + 3x = 5b, इसे यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3x एज इट इज 2a प्लस का दर जाके हो गया माइनस का, 5b - 2a। अब 3x तो नहीं चाहिए हमें, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके हो गया डिवाइड में। इट मीन्स आपको पहले 5b की वैल्यू निकालनी है, 2a की वैल्यू निकालनी है, मीन्स पहले b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक नंबर, हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। सिमिलरली जब आप a मैट्रिक्स को 2 से करोगे, मीन्स आप 2a की वैल्यू फाइंड आउट जब करोगे, हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उन दोनों को कर देना सब्ट्रैक्ट, 5b - 2a की वैल्यू आगे, देन जो आंसर आएगा उस पूरे एलिमेंट्स को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कह सकते हैं पूरे आंसर को 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए 5b, जैसे मैंने बताया था बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए 5 × 2 = 10, -10 = 20, 10 - 25 = 5। सिमिलरली वी कैन फाइंड 2a। नाउ बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5b - 2a, मीन्स इस में से इस मैट्रिक्स को माइनस करनी, मीन्स दिस माइनस दिस। अब ऑर्डर सेम में माइनस हो सकता है, 10 - 16, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिवाइड या सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट करने वाला 10 - 16 - 6, सिमिलरली -10। सिमिलरली हमने पूरा मैट्रिक्स सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू जो आई है किसकी आई है, 5b - 2a की। बट एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/3 ऑफ दिस, तो 1/3 ऑफ दिस यानी कि 1/3 अंदर ले जाएंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे हर एलिमेंट को, तो ये जो आंसर आएगा आपका ये हो जाएगा एक्स। ये था आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन का यूज। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम में भी यही आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, और बोला गया है उनका प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ली मैंने जिसका ऑर्डर मैंने ले लिया m क्रॉस n,
दूसरी मैंने ले ली पी क्रॉस क्यू। तो आप जो चीज ध्यान रखेंगे, जैसे एडिशन आपने ये ध्यान रखा था कि ऑर्डर पूरा पूरा सेम होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो पहले वाले का सेकंड वाला और सेकंड वाले का ये फर्स्ट वाला, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। मीन्स हम कह सकते हैं कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी की नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम। मीन्स ये एन पी जो अलग अलग दिख रहा है वो सेम होना चाहिए था। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉर्नर वाला डिफरेंट होगा चलेगा, लेकिन बीच वाला हमेशा सेम होना चाहिए तो ही वो मल्टीप्लाई होगा। बीच वाला सेम होगा, मैंने मान लिया वो हो गया एन एन, पी को मैंने एन से रिप्लेस कर दिया। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एम इन टू एन और एन इन टू क्यू मैट्रिक्स को, तो आप ध्यान रखेंगे एन एन हो जाएगा आपका नेगलेक्ट। फिर जो कॉर्नर वाले दोनों होते हैं इसीलिए सेम होना चाहिए था आपका। जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होना चाहिए एम क्रॉस क्यू, कॉर्नर वाले दोनों नंबर, समझे। अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि मैंने ऑर्डर में क्या ध्यान रखना है। अब आप ये देखेंगे हम इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो ए इंटू बी करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए ये ले लिया। अब ऑर्डर चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले, इसमें रोज कितनी है, टू रोज है, तो टू इंटू हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, थ्री कॉलम्स, टू इंटू थ्री। यहां पे रोज कितनी है, थ्री, इंटू कॉलम्स कितने हैं, टू। आप एक चीज जो ध्यान रखेंगे बीच में थ्री थ्री कॉमन, मीन्स ये सेम है, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। और जो फाइनली आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, टू क्रॉस टू ऑर्डर का। जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा आपका, टू क्रॉस टू। ये चीज क्लियर हो गई। अब आप देखते हैं मल्टीप्लाई करते किस तरह से है। देखो फर्स्ट एलिमेंट जो हमें लिखना है वो एक्चुअली क्या होता है, ए वन वन, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है वो एक ही मैट्रिक्स का नहीं है, यहां फर्स्ट रो पहले वाले मैट्रिक्स की एंड सेकंड कॉलम, ओ सॉरी, फर्स्ट कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स का। वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बात समझ में आई। तो इन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की हेल्प से हमें ए वन वन मिलेगा। कैसे मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपस में उन्हें एड करते जाएंगे। मीन्स वन इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू फाइव, यहां जो नंबर आएगा सिंप्लीफाई करके वो आपका ए वन वन हो जाएगा। सिमिलरली ए वन टू इस प्लेस पे आता है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस बार आएगा वन इंटू सेवन मीन्स सेवन, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, टू इंटू माइनस फोर इज माइनस एट। यहां आता है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स इस बार सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो जीरो इंटू टू मीन्स जीरो प्लस थ्री इंटू माइनस वन विच इज माइनस थ्री प्लस फोर इंटू फाइव विच इज ट्वेंटी एंड लास्ट रो विच इज ए टू टू मीन्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो जीरो इंटू सेवन विच इज जीरो प्लस थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू माइनस फोर, तो प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस आ गया सिक्सटीन। अब यहीं पे नहीं छोड़ना है आपको, इसे आगे सिंप्लीफाई भी करना है। नाउ वन इंटू टू इज टू, माइनस माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, तो टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस फाइव टू जर टेन, तो कितना हो गया ये थर्टीन। यहां पे क्या नंबर आएगा देखो, माइनस एट माइनस वन हो जाएगा माइनस नाइन और माइनस टू। यहां पे क्या आएगा, ट्वेंटी माइनस थ्री, प्लस माइनस एट माइनस होता है सेवनटीन, माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री हो जाएगा माइनस थर्टीन। आप चेक कर सकते हैं टू क्रॉस टू ही ऑर्डर का आया है ना, देखो टू रोज इन टू कॉलम्स आर देयर, तो ये आपका आ गया ए बी। कुछ एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बात जो ध्यान रखने की है, अगर हम नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं लाइक टू इंटू थ्री तो सिक्स आता है, अगर ऑर्डर चेंज कर दो थ्री इंटू टू कर दो तो भी ऑर्डर, तो भी आंसर सेम आता है। लेकिन मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर सेम नहीं आता है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आपका ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, विच इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें ए एक मैट्रिक्स दी हुई है और अगर हम उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करके लिखते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं ए डैश से और हम उसे डिनोट करते हैं ए की कैपिटल टी से, टी इज फॉर ट्रांसपोज।
इससे हम डिनोट कर सकते हैं एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, डैश भी और टी भी, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब ध्यान देना, जब आपके रोज और कॉलम इंटरचेंज हो गए हैं मीन्स आपका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो रोज थी पहले अब वो कॉलम बन गए हैं और जो कॉलम्स थी पहले अब वो रो बन गई हैं, मीन्स आपका ऑर्डर हो जाएगा ट्रांसपोज का बिल्कुल इसका रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक क्वेश्चन ए 1 2 3 4 0 1 जिसमें ऑर्डर है 3x2 क्योंकि यहाँ 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। अब मैंने ए डैश निकालना है तो क्या होगा, देखो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाना है मीन्स 1 2 बन गया आपका फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो 3 4 आपका बनेगा सेकेंड कॉलम 3 4, थर्ड रो विच इज 0 1 ये बन जाएगा आपका थर्ड कॉलम 0 1। अब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये बन गया 2x3 ऑर्डर का, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑर्डर एकदम रिवर्स हो चुका है, तो ये होता है ट्रांसपोज। अब इसका यूज क्या करने वाले हैं वो देखते हैं हम। पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, अगर दो मैट्रिक्स के सम के ऊपर ट्रांसपोज दिया है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसी तरह प्लस की जगह माइनस होता अगर तो यहां प्लस की जगह आपका माइनस बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में आपका क्या होता है डिफरेंट होता है, ए बी के प्रोडक्ट पे जब ट्रांसपोज लगता है वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मीन्स बी पहले आता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि ये और ये चीज सेम नहीं होती है, अभी बताया था मल्टीप्लीकेशन सेम नहीं होता है इस केस में। अब नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये क्या होती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो मैट्रिक्स सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है लौट के तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है ये 1 0 2 2, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट रो आपका क्या है 1 2 जो कि मेरा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और यहाँ जो सेकंड रो है 2 0 वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 0। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स सेम है, मीन्स ए और ए ट्रांसपोज बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स हमारी हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 3 2 3 फर्स्ट रो मैंने बना दिया से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन गया आपका सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन गया आपका थर्ड कॉलम। आप देखेंगे दोनों मैट्रिक्स सेम है, मीन्स ए डैश आपका ए के इक्वल है, तो ये हो गया आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज करने पे ए तो सेम आ जाता है लेकिन साथ में माइनस साइन और आ जाता है, मीन्स सारे एलिमेंट सेम तो होंगे विद माइनस साइन। और दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हर डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए, और ये कह सकते हैं हम कि ए डैश माइनस ए आने के लिए जो ए आई जे एलिमेंट है ए जे आई वाले एलिमेंट उसके नेगेटिव होंगे, मीन्स अगर ए 1 2 आपका 2 है तो ए 2 1 रिवर्स हो गया ना, माइनस 2 होना चाहिए। तो आप देख के भी पहचान सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए, या किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे, देखो ध्यान से, सारे डायगोनल एंट्रीज जीरो है, ए 1 2 जो है और ए 2 1 है दोनों का साइन एकदम ऑपोजिट है, ए 1 3 और ए 3 1 का भी साइन एकदम ऑपोजिट है, सिमिलरली ए 2 3 और ए 3 2 का भी, तो ये आपके हो गए स्क्यू सिमेट्रिक। आप चाहें तो उसे ए डैश करके भी चेक कर सकते हैं। ए डैश आपका क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो बन गया आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। आप देखेंगे बिल्कुल सेम ही तो है, माइनस साइन इधर उधर हो रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो जो नेगेटिव वाले हैं वो बन जाएंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले बन जाएंगे आपके नेगेटिव। तो आप देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है अंदर वाली माइनस एन के साथ वाली ये ए है, मीन्स हो जाएगा माइनस ए, तो आपका ए डैश कितना आ गया माइनस ए, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स में आ जाता है, तो आप उसको ध्यान से समझ लेंगे एक बार। ये है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कैसे, देखिए हम जानते हैं अगर कोई ए मैट्रिक्स होती है, अगर ए का मैं ए डैश से एडिशन करूं, ए प्लस ए डैश करूं, तो जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर ए को मैं माइनस करूं ए डैश से तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो, ठीक है। तो ए को आपको किस फॉर्म में लिखना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, क्योंकि ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक है भी बताया,
प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, जो कि अभी मैंने बताया क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हम ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख पाएंगे, जिसे मैं पी और क्यू से डिनोट कर रही हूं, वेयर पी इज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड क्यू इज हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, इसको करेंगे प्लस हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, नाउ ये माइनस का सॉरी, तो ये प्लस और माइनस हाफ ए डैश कैंसिल, हाफ ए हाफ ए मिनके बन गया ए, पूरा कंप्लीट, यानी कि सही लिखा है हमने। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मान लो एक ए क्वेश्चन मैंने उठा लिया, आपको करना क्या है, ए की हेल्प से पूरा राइट हैंड साइड ड्राइव करना है। पहले तो पी निकालेंगे हम, पी क्या था हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, तो जिसके लिए पहले आप ए डैश फाइंड आउट करेंगे, विच इज रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, ये 3 5 यहां आ गया, ये 1 -1 यहां आ गया, फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस ए डैश करेंगे आ गया, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ हाफ था, हाफ से मल्टीप्लाई करने पे जो ये मैट्रिक्स आपका आएगा ये आपको हो गया पी। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे क्यू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, इन दोनों को माइनस करके हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको मिल जाएगा आपका क्यू। अब पी और क्यू मिल तो गए, हमें चेक भी करना होगा कि पी और क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है भी या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, पी मैट्रिक्स आ चुकी है उसका पी डैश निकालो, अगर पी डैश और पी सेम है, जो कि सेम आ गए हैं, मीन्स पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली क्यू और क्यू डैश में क्यू डैश माइनस क्यू के इक्वल आ गया है, मीन्स क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज तो क्लियर हो गई है कि पी और क्यू आपके क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। अब क्या इन दोनों को एड करके हमें ए मिलता है या नहीं, पी और क्यू को आप एड करके दिखाएंगे लास्ट में, पी प्लस क्यू आप देखेंगे आपको फाइनली जो ए था क्वेश्चन में वही मिल जाएगा, इच मीन्स हम ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कॉलम एंड रो ऑपरेशंस फॉर 2x2 मैट्रिक्स एंड फॉर 3x3 मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं और अपडेट ना मिल जाए टाइम से, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को अच्छे ध्यान से समझ लें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।